साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सीरीज चल रही है गर्भ विज्ञान के ऊपर, तो वो बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रही है, बहुत साथियों को फायदा हो रहा है। और वो कहते हैं, फोन भी करते हैं कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो गूढ़ का है, जो जड़ का है, जो धरातल का है। हर घर की समस्या है गर्भ विज्ञान को न समझना। और गर्भ विज्ञान का मतलब केवल बच्चे पैदा करने वाली माओं के लिए ही नहीं है, बल्कि हर एक माँ बहन बेटी के लिए है। तो मैं निवेदन करता हूँ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और पूरी देखना, ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। ये स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जिनको अभी बच्चे पैदा करने हैं, जिनकी अभी विवाह होने हैं, या विवाह होने के बाद का जो जीवन है उस पे समझना है, ताकि समस्या आने से पहले ही अगर हम उसको समझ लें तो समस्या आएगी नहीं। तो मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा बताया है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो नहीं खाना है उसकी नुकसान और जो खाना है उसके फायदे, ये बहुत डिटेल में ऋषियों ने बताया है। एक शब्द है पथ्य। पथ्य होता है जो खाने योग्य है, जो खाना ही चाहिए। उसमें कहते हैं, एक शब्द कहा है, समीमस्त्वतथ घृत का प्रयोग मासिक पूरा होने के दूसरे दिन से लेकर पूरे मास तक पति पत्नी दोनों को खाना है, सेवन करना है। अब ये घी कैसा है इसके बारे में बाद में बताएंगे। ये एक औषधियों के रूप में मिला के ये घी बनाया जाता है। जैसे चार दिन पांच दिन का चक्र पूरा हुआ, उसके बाद 25 दिन है, तो 25 दिन तक ये घी दोनों पति पत्नियों को खाना है, क्योंकि आगे की जो गर्भ की शुद्धि है उसकी शुरुआत है ये। आगे कहते हैं, इस औषध के प्रयोग के समय इस अंतराल में पति पत्नी दोनों को नियम अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी आपको 3 महीने शरीर शुद्धि करनी है, 6 महीने करनी है, 2 महीने करनी है। उस समय तक, पूरे समय तक ये आपको तैयारी करनी है, ब्रह्मचर्य रखना है। अगला पॉइंट जो कहते हैं, इसके साथ साथ वीर्य और मासिक की गर्भधान के लिए प्रशस्तता के वर्धक आहार विहार का सेवन करें। भाई रज मजबूत हो और वीर्य मजबूत हो, इस पे बहुत गहराई से आगे चर्चा करेंगे क्या उसको बढ़ाने के लिए औषधियां हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत मजबूती से इन दोनों के, रज और वीर्य के वर्धन के लिए आहार विहार का सेवन हो, ये सबसे जरूरी है। देसी गाय के दूध, दही, मक्खन और घी का प्रयोग भरपूर हो। एक एक बात इतनी गहरी है कि आप इसको जब खोजेंगे तो आपको शायद ना मिले, लेकिन जब हम मांग करेंगे तो वो चीज आएगी। अगर आपको कुछ अच्छा चावल चाहिए, अच्छा घी चाहिए, अच्छा दूध चाहिए, तो आप किसानों के संपर्क में जाएंगे, उनके पास नहीं होगा तो वो उगाएंगे, तो वो आपको देंगे। और जब उनको ये लगेगा कि इस चीज की मांग बढ़ी है, तो वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। इसीलिए डिमांड करिए, वो सप्लाई आएगी। आगे ये कहते हैं, गाय का त्वरित वीर्य वर्धक क्या है, दुग्धम सद्य शुक्र क्रम एवं, इसका मतलब है दुग्धम सद्य शुक्र क्रम, गाय का दूध शुक्र को बढ़ाने वाला है, शुक्र यानी वीर्य को बढ़ाने वाला है, एवं गर्भस्राव का अवरोधक, गर्भस्रावे च सत्तम हितम। भाई बाकी जो समय है, जैसे ल्यूकोरिया की टाइप की समस्या है, एनर्जी लॉस होता रहता है, उसका अवरोधक है। इन दोनों के अवरोधक होने के कारण धारो उष्ण ताजा दूध या सौंठ और पिपली डाला हुआ शक्कर वाला मलाई युक्त दूध शाम को भोजन में लें। इसको ध्यान से सुनना, दोबारा से मैं पढ़ता हूं। गाय का त्वरित वीर्यवर्धक एवं गर्भस्राव का अवरोधक होने के कारण धारोषण, जो एकदम ताजा ताजा दूध निकलता है उसको धारोषण बोलते हैं। दूध निकलते ही थनों से दूध आता है, वही गर्म गर्म होता है, धारोषण दूध, या सौंठ और पिपली डाला हुआ शक्कर वाला मलाई युक्त दूध। अगर धारोषण नहीं है तो गर्म करो
अच्छे से उबालो, उसमें सौंठ और पिपली डालो, शक्कर, खांड, देसी खांड असली वाली, चीनी पीसी हुई नहीं, वो आपको हमारे पास भी मिल सकती है, हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं खांड। तो वो मलाई युक्त दूध शाम को भोजन में ले और उन्हीं दूध की विविध मिठाइयों का सेवन करें, चीनी नहीं, चीनी से मुक्त, चीनी के सफेद जहर से दूर विविध मिठाइयों का सेवन करें, ये कहा गया है। और ये कहते हैं भाव प्रकाश निघंटू में दुग्ध वर्ग है 13वें चैप्टर में। ये जो चार पांच बातें बताई हैं ये इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि आपका जीवन आपको नई दिशा दे सकता है। आगे ये कहते हैं दोपहर के भोजन के बाद जिसमें थोड़ा सा मक्खन बचा हो ऐसी छाछ, हींग, जीरा और सैंधव डालकर पिए। समझ रहे हो, हींग कफनाशक है, जीरा वातनाशक है और सैंधव नमक जो हम लगातार प्रयोग करते हैं शुद्ध नमक, वो डालकर पिए। किसके साथ? जो हम छाछ निकालते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दूध जो बच जाता है वो हमें पीना है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 6-7 पॉइंट हमने समझे हैं, वो हमें करना है। अगला पॉइंट ये कहते हैं नवनीतम हितम गम्यम वृषम, भाव प्रकाश का ही ये सूत्र है, गाय के दूध या दही में से निकाला गया ताजा मक्खन शुक्र की वीर्य की वीर्य वृद्धि करता है। गाय के दूध या दही में से निकाला हुआ ताजा मक्खन रज और वीर्य की वृद्धि करता है, ये भी भाव प्रकाश निघंटू कहता है। क्योंकि गाय का घी वृष्य और जठरग्नि को प्रदीप्त करता है, जठरग्नि आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपके पाचन को बढ़ाएगा, इसीलिए उसको आप बढ़ाएं। इसीलिए घी में पकाई गई विविध मिठाइयों का सेवन करें, जो घी में बन सकती हैं उन मिठाइयों को आप लीजिए। जो अगला बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, काले तिल का तेल वीर्यवर्धक एवं गर्भाधान के लिए प्रशस्त है, इसलिए अन्य तेल के स्थान पर काले तिल के तेल का सेवन करें। आपके जीवन में लाखों रुपए बचाएंगी ये चर्चा, जो आपको बहुत गंभीरता से समझनी है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। शुद्ध, आगे जो मेन बात कही गई है, शुद्ध शहद मधु भी वीर्यवर्धक स्मृतिवर्धक और वरण्य है। वरण्य यानी आपके रंग को वर्ण को साफ करने वाला है, स्मृतिवर्धक बुद्धि, स्मृति होती है बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, और वीर्यवर्धक यानी आपके ओज को, रज को, शुक्र को बढ़ाने वाला है। जिसको भी इन ठंड के दिनों में गर्भाधान की तरफ जाना है उनके लिए बोला गया कि ठंड की ऋतु में इसका प्रयोग प्रशस्त माना गया है। अब ये आपके लिए फायदे का हो सकता है, अपने पास शुद्ध पेड़ों का टूटा हुआ, जंगली पेड़ों, जंगली में एरिया का टूटा हुआ शुद्ध शहद है और उसके बने हुई मिठाइयां हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो इसलिए भाव प्रकाश कहता है मधु वरण्य मेधा करम वृषम, वीर्यवर्धक स्मृतिवर्धक और वर्णी को ठीक करने वाला है, उसको आप निरंतर प्रयोग करें। इसका एक और कारण है शहद के बारे में, शहद के बारे में ऋषियों ने कहा है कि अगर आप मान के चलिए खाना खाते हैं तो खाना अगर 100 ग्राम खाया तो उसमें 40-50 ग्राम पचेगा, बाकी वेस्ट निकलेगा उसमें से, अपच जो उसकी अशुद्धि है। लेकिन शहद जो जितना भी आप खाओगे वो 100% पाचन होता है, 100% पचता है। इसलिए जो शुद्ध मधु है, शुद्ध शहद है, वो पूर्ण आहार है, उसमें से वेस्ट कभी नहीं निकलेगा। तो जो भी वो जाएगा वो खून में सीधा बदलेगा, रस रस से बनेगा तो शुद्ध रस बनेगा, पूरा का पूरा खून में बदल जाएगा वो। और ये कहता है उबालकर ठंडे किए हुए पानी में आवश्यकता अनुसार उशीर, एक औषधि है ये आपको मिल जाएगी पंसारी के पास, पाटला पुष्प ये भी मिल जाएगी, और मुक्त भस्म डालकर पीने से वीर्य वृद्धि होती है। ये
बहुत ही गंभीर और बहुत ही शानदार विषय है जिस पे बात करी गई है, और इसी चैप्टर को हम मनुस्मृति में भी पढ़ेंगे। मनुस्मृति में के साथ साथ संस्कार विधि में भी पढ़ेंगे कि ये पुस्तक आपको क्या कहती है। मासिक जो धर्म के गर्भाधान से पहले पथ्य अपथ्य के लिए। सीमा 2 मिनट रुक जा बस। आगे ये कहते हैं, दोपहर भोजन के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच नारियल का पानी पिए। नारियल का पानी मूत्र एवं प्रजनन संस्थान का शुद्धिकरण करता है। वैसे तो एक और बात इसमें गंभीर है, पूरा जो शरीर है उसमें 70% तो अम्लीय, 80% क्षारीय होता है और 20% अम्लीय होता है हिस्सा। अगर ये अम्लीयता बढ़ती चली जाए तो रोग आएंगे, और अगर ये अम्लीयता बढ़ी है तो दुनिया में सबसे अच्छे क्षारीयता को बढ़ाने वाले, अल्कलाइन करने वाली 2 चीजें हैं। एक तो लौकी का जूस, शुद्ध जैविक, जहां पे यूरिया केमिकल ना पड़े हो, वहां की उगाई हुई लौकी यानी घिया, और दूसरा है नारियल का पानी। नारियल का पानी निरंतर पिएंगे तो किसी भी बड़े से बड़े रोग में आपको फायदा होगा। दोपहर के भोजन में ऋतुजन्य फल यानी जो मौसम के अनुसार फल हैं वो आपको लेने हैं, जैसे आम, केला, नारियल, चिरौंजी, अनार, खजूर, अंगूर, ये सब का सेवन आपको करना है। मतलब ये है कि जितनी सारी बातें बताई हैं, अगर ये वीडियो 8-10 मिनट की है, आप इसको लिखते जाइए या फिर लगातार आप इसमें बार बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अपना ऐसा बच्चा चाहिए जो कभी जीवन में बीमार ना पड़े, जो कभी जीवन में आपको आपके खर्चे को बढ़ाए ना, आपकी जो आमदनी है उसको वेस्ट ना करे, दवाइयों पे वो बेकार ना जाए, तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इससे पहले जितनी मैं आप प्लेलिस्ट देखिए इसकी, जितनी सारी ये वीडियो है उन सबको आप लगातार क्रम से देखिए, सीरियल वाइज देखिए, आपके सारे सवाल क्लियर होंगे। आपके घर में लाखों रुपए सालाना बचने की ये मुहिम है, क्योंकि हमारी जो घरों में ये जो बड़े बड़े राक्षसी कंपनियां घुस गई हैं एकदम शरीर के अंदर तक, वो तबाह करने वाली हैं। हमें उनको हटा देना है, क्योंकि आपकी माँ बहन बेटी स्वस्थ होगी, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ होंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आपके घर में अगर 10,000 रुपये महीना बचता है तो 100 करोड़ लोगों को अगर 10,000 से गुना कर दो तो ये तो कई हजार अरब डॉलर का सिस्टम बैठेगा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। इसी के साथ, जैसे मैंने शहद की बात कही, जैसे मैंने आपको खांड की बात कही, जैसे और भी कई चीजें मैंने आपको बताई, वो सब आपको उपलब्ध हो सकती हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करिए, और पूरे जीवन को बदल सकता है ये। तो आपने इतना ध्यान से पूरी वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें। जो पुराने साथी हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें, कुछ और साथियों को ये भेज दीजिए। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।